25 साल हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर प्रशासन की तरफ से हमें कोई भी किसी भी किस्म की सुविधा नहीं है। ये आप गंदगी देख सकते हो, यहाँ 15 साल से सीवरेज बंद है। MLA साहब भी आए, मेयर साहब भी आए, लेकिन किसी ने यहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। पर दुकान का किराया 5,000 रुपये है, 72 दुकानें हैं यहाँ पर, देखो आप कितनी दुकानें यहाँ पर, लेकिन हमारी प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं करी। सब बाउंड्री टूटी पड़ी है, चारों तरफ से रास्ते खुले हैं। ये चौथा चांस है इनका, पता नहीं तीसरा चांस है इनका। ये जो झटका लगा इन्हें, काफ़ी तगड़ा झटका लगा है। हम चाहते हैं कमी कहां आ रही है, कि कमी तो सारी आ रही है, चारों तरफ रास्ते खुले हुए हैं इसके। नहीं, पुलिस काम क्यों नहीं कर रही? पुलिस काम नहीं कर रही, आती है वो देख के फोटो खींच के चली जाती है। हाँ, पुलिस तो कह रही है चौकीदार रखना, किसी के ऊपर शक करो जी, शक किसके ऊपर करे बताओ, बिना बताए। पुलिस कह रही है आपको तो चौकीदार रख लेना चाहिए। चौकीदार भी रखते, एक चौकीदार यहाँ क्या करेगा, 72 दुकानें हैं, चारों तरफ रास्ते खुले हैं, चौकीदार क्या करेगा? तो विधायक जी तो कहना, मैंने बहुत काम करवाया, यहाँ हमारे यहाँ कोई काम नहीं हुआ। विधायक जी तो बोलते हैं हमारे यहाँ कोई काम नहीं हुआ। नगर निगम कहते हैं कि नगर निगम कोई नहीं, जगह नहीं है जहाँ पर कोई नहीं सुनता। आप गंदगी देखो, आप इसकी वीडियो बनाइए, उनको भेजिए कि यहाँ विकास हुआ या नहीं हुआ। तो ये दुकानें नगर निगम की, नगर निगम की दुकानें हैं। तो कितनी बार चोरी हो चुकी है अंकल की दुकान पे? यहाँ तो इनकी तो 4 दफा हो चुकी, बाकी एक एक करके सब जगह चोरी हो चुकी है। तो क्या गुहार लगाना चाहिए? गुहार यही लगाना चाहते हैं कि हमें प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिलनी चाहिए, यहाँ इसकी केयर होनी चाहिए। सरदार जी परेशान हो चुके हो बहुत ज्यादा। ये MLA साहब को और मेयर साहब जी को यहाँ बुलाया, दिखाया गया यहाँ से सारा प्रोग्राम। हमने कहा कि हमारे पानी की निकासी, यहाँ का जो वातावरण है ये बहुत खराब है, प्रदूषण देखो, जगह जगह गंदगी है, मगर कोई सुधार नहीं है, कोई नहीं आता। लेकिन शामदास जी तो कह रहे हैं पूरे शहर के अंदर कोई हमें तो कोना ही नहीं छड़ा जिथे काम ही नहीं होया। तरातल ते ताडे सामने है, देखो जरा कैमरा मार के, कुछ काम कोई नहीं होया, हालांकि काम ही नहीं होया, नहीं जी होया। तीसरी बार विधायक बने ने होना। हाँ जी, आप BJP दे, आ देखो मेरा कार्ड। हाँ। मैं BJP का सदस्य है। हाँ। तो समझे ना, सुनवाई नहीं हुई, साड़ी भी सुनवाई नहीं हुई। और दसो अंकल फिर सुनवाई की दी है जो BJP दे बीच, BJP वाले की सुनवाई नहीं, तो कितनी सुनवाई? देखो आ मेरा कार्ड है, आ देखो, देखो ये कार्ड है, BJP ने बना के दिया। हाँ जी, ये भारतीय जनता पार्टी के रंजीत सिंह जी सरदार जी हैं, जो BJP के कार्यकर्ता बता रहे हैं, और इनका कहना है कि इन्हीं की सुनवाई नहीं। अंकल जी फिर कितने सुनवाई होने वाली है, दस दो सुनवाई? तो देखो जी, इस तरह के कोई नवा ही बंदा आएगा तो वो करेगा, इन्हें दे वास्ता नहीं है। तो फिर वो तो उन 5 साल बाद आएगा विधायक, फिर 5 साल बाद है, जनता ने थोड़ी बेवकूफी की, हेरा फेरी ना जीते है, बस चौथी बार रिपोर्ट की है, कहते हूं आप चौथी बार रिपोर्ट, ओदे पिछे ताले टूटे है, कोई नहीं। पुलिस की नाकामी मानते हो तुसी? भाजी आपां पुलिस दे कोल भी, मेरे को रिपोर्टां पईआं है, पुलिस दे कोल भी आपां रिपोर्टां कीतीआं भी इदां इदां करे, कोई नहीं सुनदा जी। और उन्हें सही में हद कर दी। इस बार यमुनानगर की मीट मार्केट की 12 नंबर दुकान, जो एक करियाना स्टोर है, वहीं पर सुबह 3:30 बजे के करीब, पहले जगाधरी के अंदर 3 से 3:30 बजे के करीब रोशनदान के जरिए चोरों ने किस तरह से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। और आज ही जी हाँ, जगाधरी के साथ साथ यमुनानगर में भी चोरों के द्वारा मीट मार्केट के करियाना स्टोर पर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। और जिस करियाना स्टोर पर मैं पहुंची हूँ, यहाँ पर आज से पहले 4 से 5 बार चोरी हो चुकी है। दुकानदार बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका है कि हर बार चोरों के द्वारा इन्हीं की दुकान पर निशाना क्यों साधा जा रहा है। ये दुकान के अंकल हैं, और सबसे पहले बताना चाहूंगी, तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, साइड में यहाँ पर दरवाजा देख सकते हैं, नीचे साइड में एक जगह बनी हुई है जहां पर AC लगा हुआ था, विंडो AC। चोरों के द्वारा इस विंडो AC को यहाँ से चोरी किया गया, और दुकान आप देख सकते हैं, शीशों की दुकान है, एल्यूमिनियम का दरवाजा लगा हुआ है, किस तरह से शीशे तोड़े गए हैं, शटर को जो है तोड़ने का उन्होंने पूरा प्रयास किया। एक बार शटर की तस्वीरें देख सकते हैं, ढांचा पूरा का पूरा उन्होंने टेढ़ा कर दिया। ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये शटर है जिसे उखाड़ने की कोशिश की गई, या इसे किसी तरह से किसी चीज का सहारा लेकर ऊपर की तरफ इस शटर को किया गया, ताकि अंदर की तरफ दुकान पर जाकर चोरी कर सके। करियाना स्टोर है, और बहुत सारा राशन अपने साथ चोरी कर ले गए हैं, बहुत सारा कैश रखा हुआ था वो चोरी कर गए हैं। साथ ही साथ ये नीचे मैं आपको जमीन पर शीशे दिखा रही हूँ, शीशों का एल्यूमिनियम का दरवाजा था, तो शीशे तोड़कर जहाँ पर AC लगा था, उस AC वाली जगह से अंदर की तरफ दाखिल होकर कितना सारा सामान चोरी कर मौके से रफू चक्कर हो गए। अंकल परेशान हो चुके हैं,
कि हर बार इन्हीं की दुकान पर चोरी क्यों हो रही है। गल्ला देख सकते हैं, इसी गल्ले के अंदर मालिक रात के समय 7 से 8 हजार रुपया कैश यहाँ पर रख कर गए थे। पता नहीं चोरों को कैसे भनक लग जाती है और कैसे यहाँ पर आकर चोरी कर जाते हैं। मीट मार्केट के अंदर एक और दूसरी दुकान है जहाँ पर चोर चोरी करने के इरादे से घुसे जरूर थे, लेकिन वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे को सामने देखकर वो डर गए और वहाँ से रफूचक्कर हो गए। पहली बार देखा है कि सीसीटीवी फोटोज को देखकर वो डर गए, नहीं तो सीसीटीवी कैमरे लगे होने के बावजूद भी चोर किस तरह से लगातार चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरी दुकान वाले को तो चूना नहीं लगा, उसका नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन उसकी दुकान पर जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसी से पता लग रहा है कि इस दुकान पर भी चोरी करने का जो समय है वो सुबह 3 से 3:30 बजे के करीब का रहा होगा। मीट मार्केट है, लोगों की भीड़ देख सकते हैं। ये लोग हैं जो खुद भी परेशान हो चुके हैं कि आखिरकार इसी अंकल की दुकान पर क्यों निशाना साधा जा रहा है। ये दुकान के मालिक है, मैं एक बार इनसे पूरी जानकारी लेती हूँ कैसे चोरी हुई, क्या क्या सामान चोरी हुआ और सीसीटीवी वीडियो में कितने चोर दिखाई दे रहे हैं चोरी करते हुए। भैया क्या नाम है आपका? धनराज। हाँ जी, इधर देखो सामने। हाँ जी, ये हमारे कैसे हुई है ये चोरी? ये हमारे मीट मार्केट का दुकान है और यहाँ पर नीचे हमने बिंदु एसी लगा रखा था, वो भी ले गया और बाकी ये बाहर नहीं आता था, अंदर जाता था, तो इसलिए अंदर से ही नहीं निकला तो शीशा तोड़ दिया। शीशा तोड़ के एसी ले गए, बाकी रिफाइंड हमने एक ड्रम भर रखा था वो भी ले गए, तेल के पेटी ले गए और राशन रूशन सारा ले गए। 6 महीना के बाद फिर दोबारा चोरी हो गई, 4 बार चोरी हो गई हमारा, बहुत पीछे पड़े। पहले भी चोरी हुई? हाँ जी, 6 महीना पहले चोरी हो गई थी। तो चोरों का पता नहीं लगा? नहीं, चोरों को पता लगा ही नहीं। तो इस बार क्या लगता है पता लगेगा चोरों का? देखो, हमने रिपोर्ट तो कराया, रिपोर्ट लिखा। नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हो गया जी, हमारे 80 हजार रुपए का नुकसान हो गया इस बार। पहला हाँ जी, सिगरेट कितना महंगा महंगा है, कल लिया था सिगरेट सारा, मेरे ख्याल में 30-35 हजार रुपए का हमने सिगरेट लिया था कल, सिगरेट बेरी और तेल लिया था, इसलिए तेल के पेटी सारा लिया था। आप बताओ क्या कह रहे हो भैया? ये जी हम, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बेटा है आप? हाँ जी, हाँ जी, मैं इनका बेटा हूँ जी। और हमारी दुकान में ये चौथी बार चोरी हो रही है, हर 6 महीने बाद चोरी होती है और हम हर बार जाके थाने में पूरे FIR वगैरह करवाते हैं। ये देखो जी, 27/4/2024 को इससे पहले भी FIR करवाई थी, बस वो आते एक ही बात कहते हैं कि यहाँ आप कोई चौकीदार क्यों नहीं रखते। मतलब कि उनको, मतलब कि चोरों को, पुलिस वालों का कोई डर नहीं है। हर 6 महीने पे एक ही दुकान पे चोरी करना बहुत बड़ी बात होती है। ये देखो जी, ये कल रात को ही ऐसे 3 है, हर बार हम जाते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। कितना सामान चोरी हुआ है इस बार? हमें हमारा सामान सबसे ज्यादा हुआ, कम से कम हम 1,30,000 के आसपास हमारा सामान इस बार ज्यादा चोरी हुआ। इतना नुकसान हो, क्योंकि चोरों को तो पता है कि 3 बार यहाँ पहले चोरी होगी, कुछ नहीं होता इस मार्केट में। कितनी बार यहाँ आते हैं, बस 112 आती है, बस चली जाती है, कुछ नहीं होता। तो भैया आपने सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगवा रखे? सीसीटीवी कैमरे भी है सब कुछ, हम मुंह बांध के आते हैं। हाँ। अभी पीछे कोई उनकी पहचान नहीं होती, वो सब तोड़ ताड़ के चले जाते हैं। इस बार तो हम चाहे हमें वहाँ पे CM विंडो तक जाना पड़े, इस बार तो हम कार्रवाई करेंगे। क्योंकि हर बार मैंने देखो जी, बैंक से लोन ले रखा है, लोन ले के मैं ये दुकान चला रहा हूँ, मुझे उसकी भी किस्त देनी पड़ती है। अभी मैंने एक किस्त, मतलब 1-1.5 लाख रुपए यहाँ वहाँ से लोन करके ब्याज में पैसे ले के भरा, उसकी किस्त अभी हुई है ख़त्म, अगली चोरी फेर होगी, बताओ। अब मैं 1-1.5 लाख रुपए फेर कहाँ से लाऊंगा जी? तो भैया पास में किसी और दुकान पर भी सुना है ताला तोड़ने की कोशिश की? हाँ जी, रात को पहले वो यहाँ चोरी करके गए, वहाँ पे 3-3 कैमरे लगे हुए हैं, उन्होंने वहाँ पे मतलब बारिश वो किया और कैमरे देख के वहाँ से भाग गए। तो चोरी करना तो आसान काम नहीं है? आसान, वो भी वो जनरल का इतना भारी AC है जी, 2-3 बंदों से नहीं उठता हो। उन्होंने यहाँ तोड़ के यहाँ पे लगा हुआ था, ये देखो जी अंदर, ये तारे तूरे स्टेबलाइजर वगैरह। तो कितने चोर आए होंगे जिस तरह से चोरी है जी? कम से कम ये है कि 3-4 चोरों का तो पक्का काम है जी। ये देखो जी, आप लोग पुलिस प्रशासन क्या गुहार लगाते हैं हर बार? बस जी, हर बार देखो, हमारा काम तो FIR वगैरह कराना है, आगे एक्शन वगैरह तो पुलिस वालों का काम है, पर वो कोई एक्शन नहीं लेते, 2-4 दिन बस इधर उधर की बात होती है, फिर सब ठंडा। तो क्या लगता है दोबारा फिर चोरी हो सकती है? मैं कह रहा पुलिस, मैं कह रहा चोरों के हौसले इतने वो है कि बताओ, एक ही जगह 4 बार चोरी कर रहे हैं,
आप ये देखो पुलिस वालों का कोई डर नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। तो ये किराना स्टोर है जहाँ के दुकानदार आप देख सकते हैं ये पिता और बेटा है, बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं। कर्जा लिया हुआ है, उसकी इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, लेकिन महंगाई के दौर में क्या करें, परिवार का गुजारा करें या दर दर की इंसाफ की खातिर ठोकरे खाते रहे। पुलिस प्रशासन के ऊपर भी आरोप लगते नजर आ रहे हैं क्योंकि 4 बार चोरी हो चुकी है, 6 महीने पहले चोरी हुई है, तब भी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। इस तरह के जो आरोप है पुलिस के ऊपर लगते नजर आ रहे हैं और आज 5वीं बार चोरों का आतंक मीट मार्केट की इसी 12 नंबर दुकान के करियाना स्टोर पर देखने को मिला। जर्नल का एसी लगा हुआ था, इतना भारी एसी, हो सकता है कि कम से भी कम 4 से 5 चोर आए हो और इस एसी को अपने साथ चोरी कर और भी जो सामान है चोरी कर यहां से भाग गए हो। पास में बगल में एक और दुकान है जिसका ताला तोड़ने की कोशिश की गई, वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, लेकिन वहां पर चोरी करने की उनकी जो कोशिशें हैं वो नाकाम साबित हुई हैं। लेकिन इस अंकल जी की दुकान के ऊपर 5वीं बार चोरी हुई है, परेशान हो चुके हैं, महंगाई के दौर में कर्जा ले लेकर किसी तरह से दुकान में सामान डालते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद पता नहीं ऐसा क्या होता है कि चोर इसी दुकान पर आकर चोरी कर जाते हैं। पुलिस प्रशासन के ऊपर बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं कि पुलिस मतलब चोरों को पुलिस का डर नहीं है। पुलिस बोलती है कि यहाँ पर कोई चौकीदार रखा जाए, ऐसा क्यों? आखिरकार लोग क्या अपनी दुकानों पर काम भी नहीं कर सकते सही से? और ऐसे में अगर चौकीदार रखना है तो इनका कहना है कि पुलिस प्रशासन किसकी खातिर ड्यूटी कर रहा है? अगर आम जनता को ही पुलिस का सहयोग नहीं मिलेगा तो पुलिस किसके लिए ड्यूटी कर रही है? तो देखते हैं कि जो नुकसान हो चुका है इस दुकानदार का, क्या उस नुकसान की भरपाई हो पाती है? क्या 5वीं बार आकर पुलिस के द्वारा चोरों का पर्दाफाश हो सकता है? क्या पता जल्द से जल्द लगाया जाएगा कि कौन वो चोर थे जो हर बार इसी अंकल की दुकान पर चोरी करने के इरादे से आते हैं और लाखों रुपए का सामान चोरी कर मौके से रफू चक्कर हो जाते हैं? यमुनानगर के साथ साथ जगाधरी के अंदर यह आज के दिन की दूसरी चोरी है, सेम टाइमिंग है, सेम कैश है, हो सकता है अब किसी तीसरे दुकानदार को चूना लगाने की या वहां पर चोरी करने की फिराक में घूम रहे हो या इस तरह का कोई बड़ा जाल बुनते नजर आ रहे हो। ऐसे चोरों का पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है क्योंकि आने वाले समय में किसी और के साथ भी ये चोरी की बड़ी वारदात हो सकती है। तो यमुनानगर के साथ साथ जगाधरी वालों सावधान हो जाओ और इस खबर को इतना ज्यादा शेयर करो कि आने वाले समय में चोरों का आतंक जो बढ़ रहा है वो सिलसिला आज यही इसी समय थम सके। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ, यमुनानगर से मैं मनदीप कौर।